गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपना अध्याय वन साइंस में हमारे आसपास के पदार्थ। पूरे चैप्टर को जितना आज आप पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से सुनना, और उसके बाद जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं बच्चे, और इसी के बेसिस पे आपको अपनी फेयर कॉपी बनानी है। चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो बेटे, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी पदार्थ की फॉर्म में है। पदार्थ की भौतिक स्वरूप की अगर बात करें तो पदार्थ तीन भौतिक स्वरूपों में मिलता है, मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस। आप जो अपने आसपास पदार्थ देख रहे हैं, मोस्टली आप इन्हें इन तीन अवस्थाओं में देखते हैं, एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। और यहाँ साथ ही आप ये भी जान लें कि पदार्थ बना किससे होता है। 1.1.1 में लिखा भी हुआ है, पदार्थ कणों से मिलके बना होता है। ये कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पुट ऑन कर सकता है कि पदार्थ किससे मिलके बना हो सकता है, तो आप बड़ी इजीली जवाब दे सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलके बना होता है। और पुराने समय में हमारे जो ऋषि मुनि थे, वह सोचा करते थे या उनकी धारणा थी, हम यह भी कह सकते हैं कि पदार्थ पांच तत्वों से मिलके बना है। दुनिया में जो भी वस्तु है वह इन पांच वस्तुओं से, पांच चीजों से मिलके बनी है। पहला यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, ये लिखा हुआ भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। अब हाँ, एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा कि पंचतत्व क्या है भाई, पंचतत्व कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पंचतत्व कहलाए जाते हैं। तो बेटे जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लें, वीडियो के चलते चलते आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप निशान लगाते चलें, जहाँ मैं बता रहा हूँ आप इनमें निशान लगाते चलें। भारत के प्राचीन दार्शनिक यह मानते थे कि तत्व, जो पांच तत्व हैं वह हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये इनके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। देखो बट आज के जो वैज्ञानिक हैं, अगर उनसे पूछें कि पदार्थ होता क्या है, तो उनकी धारणा कुछ अलग है। वो हमारे ऋषि मुनियों की इन जो उनकी धारणा थी उनको नहीं मानते हैं। आज के वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ वही होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनका कुछ आयतन होता है, जिनका द्रव्यमान होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं, जो आजकल की थ्योरी है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पुट ऑन हो सकता है कि आज के वैज्ञानिक, या फिर पदार्थ होता क्या है, आज के वैज्ञानिक पदार्थ की परिभाषा क्या कहते हैं, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार तत्व होता क्या है, पुराने दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ क्या होता है। तो आप बता देना जो पांच तत्वों से मिलकर बना है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, वही पदार्थ है, ठीक है बेटा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीज बड़ी आसानी से पता चल गई है कि पदार्थ है क्या और पदार्थ किससे मिलके बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक प्रयोग द्वारा यह बताया गया है कि पदार्थ कितने छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। देखो इसमें बताया गया है कि मैंने तीन कंटेनर लिए, इस प्रयोग के द्वारा चित्र 1.1 में दिखाया गया है। इस चित्र 1.1 में आपको यह समझाया गया है कि भाई पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और कणों के किस हिसाब से, कि जो ठोस के कण होते हैं वो तो होते हैं बहुत पास पास, द्रव के कण ठोस से
ज़्यादा दूरी पर होते हैं और गैस के कण अत्यधिक दूरी पर होते हैं। तो कणों के बीच में स्पेस आ गया ना, कणों के बीच में दूरी आ गई, जैसा कि आगे यहाँ दिखाया गया है, दिखा देता हूँ आपको, आ गया, देखो यहाँ देखो दिखाया गया है साफ साफ, ये यहाँ पर गैस के कण हैं। गैस के कण हम देख रहे हैं कितने दूर दूर हैं और इनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि गति ऊर्जा, ये अपने एक दूसरे से टक्कर लगा रहे हैं और अपनी जगह पर गति कर रहे हैं। यहाँ पर हम द्रव को देखते हैं, द्रव के कणों के बीच में इतना स्पेस नहीं है जितना कि गैस के कणों के बीच में, नहीं देख रहे हैं आप इनको। और उसी प्रकार से यहाँ ठोस देखें, ठोस के कण बिल्कुल सटे हुए हैं, इनमें गति करने के लिए बहुत ही कम स्थान है ना। तो एक क्वेश्चन हम यह बना सकते हैं कि बताइए ठोस, द्रव और गैस के कणों के बीच में किसमें अत्यधिक दूरी होती है, किसमें कम होती है, किसमें नहीं होती है, या होती है तो बहुत कम होती है। तो सिंपल सा जवाब है कि ठोस के कणों के बीच में सबसे कम दूरी होती है, द्रव के कणों के बीच में ठोस से अधिक दूरी होती है और गैस के कणों के बीच में अत्यधिक दूरी होती है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा शुरुआत से जहाँ हमने छोड़ा था हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो पहुँचते हैं, तो ये हम थे चित्र 1.1 पर। चित्र 1.1 में ये दिखाया गया है कि हमने जल लिया है, जल में एक चम्मच नमक डालते हैं और जब हम नमक को, जो जल में नमक डाला है, हम उस जल को एक चम्मच के हेल्प से या हिलाते हैं तो कुछ समय बाद नमक पूरी तरह से गायब हो जाता है, हमें जल में नमक दिखाई देता नहीं है। नमक गया तो गया कहाँ? तो बच्चों आप इसका जवाब क्या दोगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपना जवाब, आपने सोचा क्या है। आप इस चीज़ को कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके बताना कि आपने क्या सोचा है। मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या था। इसका जवाब है कि इन कणों के बीच में स्पेस था, एम्प्टी स्पेस था, वो खाली जगह इस नमक ने भर दी है। ठीक है, नमक के भी कण होते हैं क्योंकि नमक भी एक पदार्थ है, नमक के भी कण होते हैं, सिंपल सी बात है। वहीं द्रव है, द्रव के कण होते हैं, बट द्रव के कणों के बीच में अंतर ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, है ना। तो जो नमक है, नमक के कण उस द्रव के कणों के बीच में जाकर फंस जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें अपना यह समझने को मिलता है कि द्रव, ठोस और गैस, इन यह सभी कणों से मिलकर बने होते हैं और इनके बीच में कुछ अंतर होता है, कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे नहीं होते, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, और गैसेस वाले में सबसे अधिक अंतर होता है। आगे देखो, यहाँ एक क्वेश्चन, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, छोटे कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, आगे देखिए, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, आप क्या जवाब दोगे? तो पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। मैं इस प्रयोग के द्वारा, यहाँ एक प्रयोग दिया हुआ है, क्रियाकलाप 1.2, इसमें यह बताया गया है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि है कैसे। पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी की घोल लें। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे अपनी किताब में भी, पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को आप 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। सबसे पहले ये देखें कि ये जो पोटासियम परमैंगनेट है क्या। पोटासियम परमैंगनेट एक तरह का रसायन है, केमिकल है, जो कि डार्क पर्पल कलर का होता है। तो पोटासियम परमैंगनेट लिया हमने, इसे 100 ml पानी में डाला, जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं। जब इसको 100 ml पानी में डाला तो आप देखते हैं कि यह डार्क, मोस्ट डार्क हो गया है, ज़्यादा डार्क हो गया है फर्स्ट कंटेनर हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेनर से 10 ml
पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेकर हमने उसे दूसरे कंटेनर में डाला। इस बार दूसरा कंटेनर हल्का लाइट हो गया, नहीं? इसी प्रकार से रिपीट करते करते जब हम अपने फोर्थ कंटेनर में पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पहला कंटेनर है उसमें सबसे अधिक पोटाशियम परमैंगनेट के कण हैं। उसमें से कुछ कण लिए जब हमने उसे दूसरे कंटेनर में डाला, दूसरे कंटेनर का जल हमें इतना अधिक रेड दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अब इसमें कणों की मात्रा में कमी दिखाई दी हमें। ठीक है, इसी प्रकार से ये फिर अब हम थर्ड कंटेनर पहुंचे। थर्ड कंटेनर में भी सिमिलरली कलर वैसे ही हल्का होता चला गया। ओके, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि कण कितने छोटे होते हैं, है ना? आगे देखें, उसके बाद यहाँ शुरू होता है 1.2.1, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ये क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 जो कि हमने किया था नमक वाला, और जो 1.2 पोटाशियम परमैंगनेट, दोनों हमने किए थे, इन्हें हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि भाई जब पोटाशियम परमैंगनेट वाला है, आपके घर में पोटाशियम परमैंगनेट तो होगा नहीं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि चीनी लें, फर्स्ट कंटेनर में आप चीनी एक चम्मच डालें, फिर एक चम्मच चीनी डाल के उसको घोल दें, मीठे पानी में से थोड़ा सा पानी लेके कोई बर्तन ले लें, छोटा सा बर्तन ले लें, उसमें से पानी लेके अगले एक साफ पानी में उस पानी को मिलाएं, तो आप देखेंगे अगला पानी जिसमें आपने उस पानी को मिलाया है, मीठे पानी को मिलाया है, उस मीठे पानी ने साफ पानी को थोड़ा मीठा कर दिया है। अब अगर आप उसमें से भी छोटा सा एक कटोरी पानी लेंगे और फिर अगले बर्तन में उसे डालेंगे, तो आप देखेंगे कि अगला पानी, अगला जो बर्तन का पानी था, साफ पानी था, वो कब मीठा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी कि कण बहुत छोटे होते हैं, चलो, और उनके बीच में खाली स्थान होता है। और देखो यहाँ 1.2.2 है जो कहते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हाँ जी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गैसेस के केस में तो आपको पता ही है कि जो गैस होती है दूर दूर तक फैल जाती है। अगर यहाँ किसी, मैं अगर यहाँ पर सेंट लगाता हूँ तो मेरे आसपास सभी लोगों को सेंट की स्मेल पहुँच जाती है, बल्कि मेरे कमरे से बाहर तक सेंट की स्मेल पहुँच जाती है। सेंट की स्मेल पहुँची कैसे? सेंट की स्मेल इसलिए पहुँची क्योंकि सेंट से स्मेल के रूप में जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स हवा के माध्यम से गति करके बाहर पहुंच गए। वो बाहर कैसे पहुंचे, एक सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो जो बाहर पहुंचे हैं इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनमें गति एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, गति ऊर्जा होती है उनके अंदर, क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी है कि गैसेस के पार्टिकल्स के साथ एक बहुत अत्यधिक मात्रा में गतिज एनर्जी होती है। तो ये आप समझ सकते हैं, नहीं? तो अब चलो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में सबसे अधिक गति ऊर्जा किस में होती है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, बिल्कुल सही, जो गैसेस होती हैं, गैसेस की गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव की, सबसे कम ठोस की, क्योंकि ठोस को हमने जहां रख दिया वो वहीं रहेगा, वहां से हिलेगा डुलेगा नहीं, आगे नहीं जाएगा। इस बात को आप सब समझते ही हैं। तो ये आप समझ चुके हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों के ही कण गति करते हैं, नहीं? अगर चलो, शायद किसी के मन में सवाल आ रहा होगा, सर चलो द्रव का मान लेते हैं, द्रव बह जाता है वो गति करते हैं, गैसेस का हमने मान लिया वो गति करते हैं, बट हम ठोस का कैसे माने कि ठोस गति करता है? देखो, एक कंपन करते हैं सभी कण अपने ही मेन पोजीशन पे। जो घंटी होती है, घंटी लोहे की बनी होती है, आप सब जानते हैं। तो घंटी जब रिंग होती है, बजती है, तो उसके कण अपनी जगह पर, मेन पोजीशन पर बहुत तेज गति से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिसके कारण कंपन पैदा होता है, और कंपन के कारण आपको आवाज सुनाई देती है, नहीं? अगर ऐसा नहीं होता, और इसके पीछे एक रीजन और है
जो पार्टिकल्स मूव करते हैं अपने मेन पोजीशन अत्यधिक अत्यधिक तेज गति से मूव करने लग जाते हैं। नहीं, जो गैसेस होते हैं ना, जो गैस होती है, गैस के पार्टिकल्स तो यहाँ वहाँ चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसमें इतनी तेज़ आवाज़ उत्पन्न नहीं होती गैसेस के। अगर गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी नहीं, गति एनर्जी ज़्यादा होती है, बट उससे इस तरह के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी जैसे कि घंटी से होती है या सॉलिड से होती है। नहीं, हाँ, आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में कीजिएगा, आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा मैं, ठीक है बेटा। तो आगे देखो, यहाँ देखो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आकर्षित करते हैं। एक क्रियाकलाप है, ये हम पढ़ लेते हैं, 1.6। इसमें लिखा हुआ है कि खेल के एक मैदान में, इस खेल को एक खेल के मैदान में खेलें, आगे बताए गए ढंग से चार समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह ईद मिसमी नृतंकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ ले। दूसरी समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले, और तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़ने का प्रयास करे। तो किस समूह को तोड़ना आसान होगा और क्यों? तो देखिए, ये प्रयोग बड़ा आसान है। आप इस प्रयोग में क्या करेंगे, पहली बारी दो तीन बच्चे आपस में अपने कमर के पीछे हाथ दे के एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ लेंगे, ठीक है, और फिर एक किसी बच्चे से कहेंगे, एक्स्ट्रा जो आपके फ्रेंड है कोई भी है, कि भाई अब हमारी जॉइंट को तोड़ के दिखाओ। नहीं तो उनका जॉइंट तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब ने एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है, स्ट्रांगली पकड़ रखा है। नहीं तो सेकंड वाले समूह वाला क्या करेगा, जैसे कि आपने ये प्रयोग करके देख लिया, आपने देखा कि अगर आपने एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है तो आपको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। बट अगर वहीं आप एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड नहीं करते बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़, जैसे कि जाल मच्छी खेलते हैं, अगर आपको याद हो जब बचपन में हम बच्चे थे तो जाल मच्छी खेला करते थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अगर आप इस तरह से अपने हाथों को पकड़ लें और किसी फिर बंदे से कहें कि भाई आओ और हमारे जो जॉइंट्स हैं हाथों के इनको तोड़ के दिखाओ, जो हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं इनको तोड़ के दिखाओ, तो ऐसा तो अब जो बंदा है वो अब बड़ी आसानी से आपके हाथों को तोड़ते हुए आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब उसे इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ा और आपकी ताकत भी इतनी नहीं लगी जिससे कि आप एक दूसरे को पकड़ के रख सकें। वहीं अगर तीसरी बार जब आप अपने ग्रुप बनाओ तो उस ग्रुप में आप ऐसे करेंगे कि एक दूसरे के उंगलियों को टच करेंगे, सिर्फ हाथों से एक दूसरे के उंगलियों को टच करेंगे, फिर थर्ड बंदे से आके कहोगे कि भाई अब हमारे उसको तोड़ के दिखाओ, हमारे हाथों को के बीच से निकल के दिखाओ, तो अब तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपने क्या देखा कि उन बंदों को अलग करना बहुत मुश्किल था जिन्होंने एक दूसरे को होल्ड टाइटली पकड़ के रखा था, नहीं, और वहीं उन बंदों को पकड़ना बहुत आसान था जिन्होंने एक दूसरे को बहुत लूजली पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर एक दूसरे के कण, अगर कण एक दूसरे को बहुत तेज गति से पकड़े रखेंगे, बहुत ताकत से पकड़ के रखेंगे, तो उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। वहीं कण अगर एक दूसरे को लूजली पकड़ेंगे तो उनको अलग करना बहुत आसान है। तो वहीं हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो ठोस होते हैं, ठोस के कण एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हैं, जिसके कारण ठोस में ठोस को अलग करना, ठोस को तोड़ना बहुत टिपिकल होता है। वहीं द्रव जो होते हैं, द्रव के कण एक दूसरे को इतने स्ट्रांगली नहीं पकड़ते हैं, जैसे जाल मच्छी वाला केस था, तो वहां पर कणों को तोड़ना आसान है। आप देखते हैं ना, अगर एक बाल्टी पानी भरा हुआ, उसमें से अगर आप एक गिलास पानी लोगे, अलग करोगे तो बड़ी इजीली अलग कर लेते हैं, नहीं? वहीं अगर मेरे पास एक ईंट रखी हुई है, उस एक ईंट में से थोड़ी सी ईंट अलग करनी तो नहीं कर पाएंगे ना, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं जो गैसेस होती हैं, गैसेस तो बहुत उनके जो कण होते हैं उनके बीच में अंतर बहुत ज्यादा होता है, उसे तो बहुत बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं, नहीं? तो आप समझ गए होंगे कि कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है जब, इसलिए तो ठोस ठोस है, द्रव द्रव है और गैस गैस है, नहीं? तो बच्चों, ये हमारे आज के लिए फिलहाल इतना ही है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, ब्लू लाइन क्वेश्चंस देखिए, वो मैं बता देता हूँ, आप इनके आंसर लिख लेना कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है
कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, बादाम, विचार, शांति, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। अब बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कुर्सी हाँ भाई पदार्थ है, हम इसे टच कर सकते हैं। वायु वायु पदार्थ है, हम इसे फील करते हैं ना। आगे देखो स्नेह, स्नेह नहीं, स्नेह यानी कि लव, स्नेह एक पदार्थ नहीं है। स्नेह पदार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि स्नेह का ना तो आयतन होता है ना द्रव्यमान होता है, नहीं वो जस्ट एक फीलिंग है। बट वायु वाले केस में क्या था, मैंने बोला ना वायु को फील कर सकते हैं, बट वायु वाले केस में ये था कि वायु का एक द्रव्यमान होता है, हम गुब्बारे में उसको भरते हैं तो वायु भर जाती है उसके अंदर पूरी तरह से, नहीं अगर उसको तोलेंगे तो उसको कुछ ना कुछ वजन भी निकलेगा, नहीं उसका द्रव्यमान है, आयतन है, स्थान घेर रहा है, तो वायु तो एक पदार्थ है। स्नेह पदार्थ नहीं है, स्मेल पदार्थ नहीं है, घृणा यानी कि हेट, किसी से नफरत करना वो भी पदार्थ नहीं है, वो तो फीलिंग है मन की। बादाम हाँ बादाम पदार्थ है, विचार विचार पदार्थ नहीं है, जो विचार ना तो स्थान घेरते हैं और ना ही विचार ना तो विचार स्थान घेरते हैं ना ही इनका आयतन होता है। आगे देखो शीत, नींबू पानी पदार्थ है, शीत ठंड पदार्थ नहीं होता, क्योंकि ठंड तो एक एहसास है, किसी के लिए वो ठंड है किसी के लिए वो ठंड नहीं है, नहीं। आगे है इत्र की सुगंध, ये फिर से स्मेल आ गई, स्मेल तो पदार्थ कभी उसे होता ही नहीं है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर सकते हैं, बस ये लिखना है कि कौन सा पदार्थ है कौन सा पदार्थ नहीं है, ये बहुत ईजी है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पदार्थ के कणों में गति ऊर्जा होती है, क्या था डिस्कस हमने कि पदार्थ के कणों के बीच में गति ऊर्जा होती है, तो भाई जिसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी वो ज्यादा मूव करेगा ज्यादा दूर तक जाएगा, नहीं। देखो यहाँ आप इसमें चित्र 1.5 में बड़ी आसानी से देख सकते हैं इस सवाल का जवाब। देखो यहाँ जो गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी हुई है उसके कण यहाँ करके दिखाए गए हैं, तो जो ये कण है आप जो देख रहे हैं ये जो कण है इन कणों की गति ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए देखो आसपास ज्यादा रेड रेड पोर्शन बनाया हुआ है। अब गति ऊर्जा ज्यादा है तो ये काफी आगे तक जा सकते हैं, बट एक बात समझें कि गति ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है, अगर तापमान बढ़ता है तो पदार्थ की गति ऊर्जा भी बढ़ती है, पदार्थ की गति ऊर्जा बढ़ेगी तो पदार्थ काफी दूरी तक आगे जा पाएगा, नहीं। हम ये कह सकते हैं ना अगर एक बॉल को हम अपनी पूरी ताकत से आगे फेंकते हैं तो ज्यादा दूरी तय करेगी वो बॉल, नहीं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। उसी प्रकार से अगर बॉल को धीमे फेंकेंगे तो बॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी क्योंकि उसके अंदर गति ऊर्जा कम है। तो हम अब क्या समझे, हम इससे यह बात समझे कि भाई अगर तापमान बढ़ता है तो उस पदार्थ के कणों के बीच में गति ऊर्जा ज्यादा आ जाएगी जिसके कारण वो कई दूरी तक बड़ी आसानी से ट्रेवल कर लेंगे। अगर पदार्थ के कण कई दूरी तक ट्रेवल कर लेते हैं तो उसकी महक भी कई दूरी तक चली जाएगी, नहीं। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है क्योंकि गर्मा गर्म खाने के कणों के बीच में गति ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि गति ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ के कणों के बीच की गति ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, नहीं। और ठंडे खाने की जो होता है, जो आपको ठंडा खाना होता है उसकी महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। अब इसका जवाब आप बता सकते हैं ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे खाने के कणों के बीच में गति ऊर्जा ज्यादा नहीं होती है। आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी से मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इसका आंसर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ का कौन सा गुण निकलता है? तो देखो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है इस पदार्थ से इसका यह गुण निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये पता चलती है कि पदार्थ के कणों के बीच इतना अधिक आकर्षण बल नहीं लग रहा है कि गोताखोर उस पानी को ना काट पाए, ठीक है।
ठीक है, तो आप मेरी बात अब समझ चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल इतना नहीं होता कि गोताखोर पानी को ना काट पाए। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है? देखो पदार्थ के कणों की मुख्य विशेषता है कि पदार्थ के कण गति करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, और कह सकते हैं कि हाँ ये मुख्य रूप से दो ही कारण आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को लिखिएगा अपनी फेयर कॉपी में, बड़ी आसानी से इनको कीजिएगा, और चैप्टर के बीच में से भी आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है सर, तो आप उस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। बीच बीच में जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिएगा, उनको भी लिख लिया करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर हम आपसे कल मिलेंगे बेटे।